हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मेरा सभी वीडियो एजुकेशनल हैं तो मेरे सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज़रूर इसको देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ अलग बात करने वाला हूँ। और अलग बात ये है कि बहुत सारी किताबें आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ी होंगी और पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे YouTube वीडियो चैनल देख रहे हो, Google आजकल खूब हर एक के हाथ में है, 4G 5G फोन सबके पास हैं, तो आप सभी देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज आप जगह जगह से इकट्ठी कर रहे हैं। तो मैं ये एक संदेश आपको देना चाहूँगा कि जो नॉलेज हमको अपने अनुभवों से मिलती है, वो नॉलेज ना कहीं YouTube पे है, ना कहीं किताबों में है, ना किसी ग्रंथों में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नॉलेज हम अपने अनुभवों से पाते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से पाते हैं, करके सीखते हैं, वो नॉलेज हमारी परमानेंट होती है। अभी हम कहें कि चीनी मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन उससे कहीं बेहतर है कि एक चम्मच चीनी खा के देखा जाए तो, या एक डेली गुड़ खा के देखा जाए तो उसका स्वाद, वास्तविक स्थिति आपको अनुभव के द्वारा पता चल जाएगी कैसी है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें किताबों में, गूगल पर और सब पे पड़ी हुई हैं, लेकिन आप अपने अनुभवों को जरूर अपने दिमाग में सेट करके रखिए, अनुभवों से सीखिए। क्योंकि जीवन में एक मैसेज आता है ना कि लोग बादाम खा के नहीं सीख पाते हैं, ठोकर खा के सीखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरों के अनुभवों से ही फायदा उठा लिया जाए, खुद की ठोकर ना खाई जाए। तो कोई भी ठोकर ना खाए, आजकल इतनी सारी रिसर्च, इतनी सारी सब शोध हो चुके हैं, तो ठोकर खाने की व्यक्ति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और कोशिश कीजिएगा एक बहुत अच्छी साफ सुथरी सी आपकी ज़िंदगी हो, जिसमें हमारे सभी सामाजिक गुण मौजूद होने चाहिए। सत्यता है, ईमानदारी है, हमारी कर्तव्यनिष्ठता है, कर्तव्यपरायणता है, ये सारी चीज़ हमारे गुण जो समाज के अंदर दिए गए हैं, पुराने ग्रंथों में दिए गए हैं, ये सभी सामाजिक गुण हमारे पास होना चाहिए। जैसे प्रेम है, सहयोग है, दया है, सहिष्णुता है, आपसी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी जगह अगर आप खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपकी बात इतनी प्रभावपूर्ण हो कि लोग आपको थोड़ी देर बाद देखें, जानें, पहचानें, समझें, आपको याद करें। ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं भी युवा पीढ़ी के बीच में हूं, युवाओं को ही पढ़ाता हूं, डिग्री कॉलेज में सभी युवा छात्र ही आते हैं, तो मैं जहाँ तक बहुत हद तक उसको व्यवहार का जो निरीक्षण करता हूँ, उसमें पाता हूँ कि थोड़ी सी कुछ हमारे सामाजिक मूल्यों में, पारिवारिक संस्कारों में कुछ मूल्यों में ह्रास हुआ है, मूल्यों में गिरावट आई है। उसका सिर्फ कारण ये है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो पुराने ग्रंथों से, महान किताबों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से थोड़ी सी दूरी हो गई है। और इसकी वजह है सिर्फ ये मोबाइल और आजकल भारी भारी बैग। जब भारी बैग पीछे लदा होगा, किताबें 20-20 बच्चे के पास होंगी, उसको स्कूल जाना होगा, होमवर्क करना होगा इतना सारा, तो उसको खेलने का भी समय नहीं हो पाता, बुजुर्गों के पास बैठने के लिए फुर्सत कम मिल पाती। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक अनुरोध करूँगा, मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने घर में बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके पास 100 वर्ष का अनुभव होता है, अगर वो 50 60 70 के हैं तो 20-30 साल पुराना अनुभव भी उनको अपने बुजुर्गों से मिला होगा, इसलिए वो 100 साल की एक लाइब्रेरी है, 100 साल का एक अनुभव है। तो उनके पास बैठिएगा, उनसे अनुभव लीजिएगा, उनसे ज्ञान लीजिएगा, वो आपको कभी भी गलत ज्ञान नहीं देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है किताबों को पढ़ने के साथ साथ हमें अपने जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपने बुजुर्गों से जुड़े रहने चाहिए, अपने संस्कारों से जुड़ा रहना चाहिए, और तब फिर हम
एक अच्छे नागरिक की श्रेणी में आएंगे। केवल एक पढ़ना ही अच्छा नहीं होता, अच्छे शिक्षित होना ही सब कुछ नहीं होता, एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे गुणों को सामंजस्य करना होता है। समाहित तो हो जाते हैं लेकिन सामंजस्य करना है ना, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो मीठी वाणी बोलना चाहिए लेकिन बोल कहाँ पाते हैं, बोलना चाहिए, कोशिश कीजिए, आप जरूर बोलेंगे, आप जरूर अच्छे बनेंगे। तो आज मैं आपको बस यही संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन कौशल के साथ मिलिए, अपने आप के साथ मिलिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी किताबों की दुनिया, थोड़ी सी मोबाइल की दुनिया, टेलीविज़न की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपने अनुभवों के साथ अपने आप को समाहित कीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।